अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, इस ईद पर ख़ासकर इस कदर महंगाई है और कुछ कोविड-19 ने लोगों की कमर तोड़ी हुई है कि मंडियों का तो कोई रुख ही नहीं कर रहा। इसी तरह सड़क किनारे लोग अपने जानवर लेके खड़े हैं और गाहकों के इंतज़ार में हैं, लेकिन जानवर तो हैं, इस ईद पर गाहक नज़र नहीं आ रहे। हमारे पीछे माशाल्लाह 2-3 जानवर हैं कुछ। आइए इनके मालिक से पूछते हैं कि इनकी क्या डिमांड है, क्या उम्र है, ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि इस ईद पर क्या रेट वगैरह क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। इसके 1 लाख रुपये दे रहे हैं। 1 लाख रुपये से ये जायज़ नहीं पड़ता। अच्छा, 1,19,000। इधर आ जाएँ प्लीज़ आप। ठीक है, इधर रहने दें इसको। तो क्या उम्र है इसकी? इसकी है जी कि ना 1.5 साल उम्र है जी। 1.5 साल है। हाँ जी। और इसका भी कोई हिसाब होता है? दोंदा चोगा जी होता है। क्या ये क्या है? दोंदा है जी। दोंदा है। अच्छा, ये दोंदा है। और अच्छा, वज़न कितना है इसका? इसका वज़न है कि 3.5 के लगभग होगा जी। 3-3.5 मन जी। वो आपको अंदाज़ा है कि ये 3-3.5 मन है तो उसमें गोश्त कितना होगा तकरीबन? तकरीबन इसमें गोश्त जी होगा अंदाजन 3.5 के। इसके इतना बेच नॉर्मल नहीं पता जी। जी ठीक है। नाजरीन, माशाल्लाह प्यारा जानवर है तो इसका ये 1 लाख रुपया डिमांड कर रहे हैं। तो जो इससे पीछे है उसका क्या है? 1,90,000। इस ये है जी माशाल्लाह, उससे बड़ा है कुछ है, तो इसका 1,90,000 डिमांड कर रहे हैं। तो इसका फाइनल क्या हो जाएगा? फाइनल जब आएगा तो पता चल जाएगा। यानी कमी बेशी की गुंजाइश होती है? होगी, मिलेगी। मतलब 15-20 हज़ार कम हो जाएगा? हाँ, ज़्यादा हो जाएगा। 10-1 हज़ार कम हो जाएगा। ठीक। ये इसका वज़न कितना है जी? तो भाई को पता है ना। ये बड़े वाले का वज़न कितना है? 4.5 जी। 4.5। इसका जी 4.5 मन वज़न कह रहे हैं और 1,90,000 डिमांड है, और कह रहे हैं कि 15-20 हज़ार की कमी बेशी हो जाएगी। नसीम बुखारी के साथ कैमरामैन वसीम गाजी, AB News लाहौर।